गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल एसआर लर्निंग में। ये हमारी जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट जो है फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए है और इसका जो नंबर है वो है 89। क्या है? 89, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो ये है डेट है हमारी 16 अक्टूबर 2020। ये फोर्थ क्लास के बच्चों की हमारी क्या है वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है। अब क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट पैटर्न्स, जो पैटर्न्स हैं वो डिफाइन करने हैं एंड क्रिएट देयर ऑन नंबर्स, हमें ये हमारा टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब क्या है, पैटर्न पढ़ते हैं। पैटर्न क्या होता है, एक के बाद एक जो रिपीट होता है उसको भी हम पैटर्न बोलती है। एक तरीके का एक कला होती है, आर्ट होती है, जैसे इन्होंने इसमें दिखा रखा है। अब क्या है बच्चों, हमने मंगलवार को अलग अलग टाइलों के पैटर्न देखे थे। क्या आपने इस तरह के पैटर्न भी देखे, कहाँ पर देखे? हमने क्या है, पहले हमने टाइल में देखे कहाँ कहाँ मिलते। अब जो हमारे को ये पैटर्न दिखा रखे हैं, हमें ये बहुत जगह मिलते हैं, जरूरी नहीं हमें टाइल में मिले, हमें ये गलीचे में भी मिलता है। हमारा जो गलीचा होता है, हम जो बिछाते हैं, ठीक है, उसमें भी मिलता है हमें। हमें जो ये वाला है, हम ये चेस, जो आप बच्चे चेस खेलते होंगे ना, अच्छा, हमें चेस पे भी ये वाला क्या है, स्क्वायर स्क्वायर वाला हमें मिलता है। एक रंगीन होता है, एक वैसा होता है, हमें कहाँ है, चेस में देखा है हमने ये। ऐसा हमने जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हमने वहाँ पर भी ये पैटर्न देखा है, ठीक है ना। और हम फर्श पर भी ये पैटर्न देखते हैं टाइलों में। तो हमने आपके लिए आंसर क्या है, आंसर हमने पूरा आपके लिए लिख रखा है। क्या है, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड पर भी हमने क्या है ये वाला पैटर्न देखा है हमने, ठीक है। फिर घर के बाथरूम में जो हमारी टाइल लगी होती है, हमने वहाँ पे भी क्या है, हमने वो क्या है अपना पैटर्न देखा है। और फर्श पे भी जो हमारी टाइलें लगी होती है, गलीचा, या हम कहते हैं गलीचा, गलीचा गलीचा होता है ना जो हम बिछाते हैं, वो कारपेट सा, उसको गलीचा बोलते हैं या कारपेट बोलते हैं। कारपेट पे भी हमने क्या है ये वाला जो है पैटर्न हमने देखा है। और मधुमक्खी के छत्ते में तो हमने देखा है, जैसे आपको अभी बताया, ये मधुमक्खी के छत्ते में हमने देखा है, ये चेस बोर्ड पे देखा, ये आपने गलीचे में देखा होगा, ठीक है। ये आपके फर्श की जो टाइल होती है उसमें होता है। तो आप यहाँ से आप अपना आंसर लिख लेना, या जो आपको अपने कहीं देखा हो तो आप अपने आप भी इसमें क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप इन पैटर्न को पहचानिए और इन आगे बढ़ते हुए कॉपी में लिखिए। अब हमें पहचानना है, अब हम पहचानते हैं। पहले क्या है, हमारा चार आम से बना हुआ एक पैटर्न है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, गोल आ गया, फिर ये वाला आ गया, रिपीट हो गया, फिर ये आ गया। तो हमारा फिर क्या आएगा, हमारा यही आएगा, क्या आएगा, चकोर। फिर क्या आएगा, हमारा गोल, ठीक है, आप मेरे साथ साथ करेगा। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल है, तीन भुजाओं से बना है, त्रिभुज बना है, इसकी चोंच पहले क्या है, ऊपर है, फिर नीचे है, फिर इसकी चोंच ऊपर है, फिर नीचे है। तो अब नीचे है तो अब क्या आएगी, ऊपर। अब इसकी ऊपर है तो फिर क्या आएगी, इसकी चोंच नीचे। हमारा ये पैटर्न भी हो गया। अब ये क्या है, एक दो तीन, ये जो डंडों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्या, कितने डंडे आ जाएंगे, इसमें डंडे आ जाएंगे पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गए। अब पाँच के बाद क्या आएंगे, छः, तो हम छः डंडे लगा देंगे। दूसरे रंग से लिख लेते हैं हम, आपको दिख जाए चाहे, एक, ये दो हो गया, सॉरी यहाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच और छः, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, छः डंडे लगा देंगे। ऐसे ही ए बी, ए ए बी बी सी सी डी डी, इन्होंने जो ये हमारी अल्फ़ाबेट होते हैं इसको डबल करके लिखा है। अब डी के बाद क्या था, ई, लेकिन इन्होंने ई को कितनी बार लिखा है, दो बार। ई के बाद क्या था, एफ, लेकिन कितनी बार लिखा है, दो बार, हम भी लिख देंगे। अब क्या है, यहाँ पे डिजिट लिखी है, यहाँ पे क्या है, गिनतियाँ लिखी है हमने, एक 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 दो तीन चार, लेकिन कितनी बार लिखी है इन्होंने, तीन तीन बार। ऐसे ही हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, चार के बाद क्या आता है, पाँच, लेकिन पाँच बार की, पाँच कितनी बार लिखना है हमें, तीन बार लिखना है, क्योंकि इन्होंने भी तीन बार लिखा है। पाँच के बाद क्या आता है, छः, छः हम कितनी बार लिखेंगे, तीन बार। तो ये हमारे पैटर्न हो जाएंगे, आप यहाँ से देख के लिख लेना। अब क्या है, हमारा ये देखना है, पाँच के बाद दस, इन्होंने पाँच पाँच के गैप लिया है, ये इन्होंने पाँच का टेबल पढ़ा है, पाँच की पढ़ा, क्या पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच दिया पंद्रह, पाँच चौक बीस, फिर पाँच पंजे पच्चीस, फिर क्या पाँच का गैप क्या आएगा, पाँच छिंग तीस, या फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव आ गया, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, और फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। आप यहाँ से लिख लेना, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या है, दी गई आकृति की मदद से एक पैटर्न बनाएं। हमें क्या है, पहले हमारा ये स्क्वायर दे रखा है, फिर गोल दे रखा है, फिर स्क्वायर दे रखा है। हम फिर से ये वाला रिपीट कर देंगे यहाँ पे, फिर हम चार भुजा वाला स्क्वायर बना देंगे,
फिर हम यहाँ पे गोल बना देंगे, और फिर हम यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल, वो ट्रायंगल बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। तो हम ये पैटर्न आप यहाँ से देख के अपना पैटर्न यहाँ से कर लेना, ठीक है बच्चों। ये हमारी वर्कशीट हो गई। हमें ये हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि हमें, हम कभी भी जाएं तो हम मास्क पहन के जाएं, ठीक है ना। हमें मास्क पहन के हमेशा जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा हमें ध्यान रखना है। और ये क्या लिखा है, आपके घर में, घर के गमले में लगे अलग अलग पौधों की पत्तियों में पाए जाने विभिन्न पैटर्न पर बच्चों का ध्यान आकर्षित कराएं, एवं विभिन्न पैटर्न वाली पत्तियों बीच में उनकी कॉपियाँ बनवाएं चिपकाएं। तो हम अगर आप घर में फ्लावर हैं तो उनको वे आप पत्तियों के पैटर्न को देखना। कुछ पत्तियों के पैटर्न पर आपको क्या दिखाई देगी, कुछ पत्तियाँ ऐसी होंगी बहुत ही जाली बनी हुई होगी, आप एक बार देखना यहाँ से भी निकल रही है, ये वेंस कहलाती है, ठीक है ना। ये जाली होगी, ऐसी जाली दिखाई देगी। और कई पेड़ों पे आपको सिंपल ऐसा दिखाई देगा, ऐसा पेडलर ऐसा दिखाई देगा। आपने अगर नहीं देखा तो अब कोशिश कीजिएगा देखने की, आपको ये दो पैटर्न दिखाई देंगे और आप अपने घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आज आपकी छोटी सी वर्कशीट थी। बच्चों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और लाइक में आप बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, लाइक का बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उससे हमें क्या है प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी फोर्थ क्लास की आज की वर्कशीट थी, आगे की वर्कशीट के साथ हम अब हम आगे मिलेंगे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और दूसरे बच्चों के साथ भी आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।